हेलो बच्चों, हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए पढ़ रहे थे और अब तक हमने मोशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। और हम उसके बाद मैटर पढ़ रहे थे। मैटर का हमारा एक लेक्चर हो गया था और दूसरा हम शुरू करते हैं, या फिर पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने फिजिक्स की परिभाषा पढ़ी थी कि फिजिक्स क्या होती है। तो बच्चों, फिजिक्स की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि द्रव्य एंड ऊर्जा, द्रव्य ऊर्जा और इनके बीच में इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया, द्रव्य ऊर्जा और इनके मध्य अन्योन्य क्रिया की जिसमें स्टडी होती है उसे फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स का मतलब होता है प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ों से। एंड इसके बाद में हमने पढ़ा था भौतिक राशियाँ। जैसे द्रव्य होता है उसे मापने के लिए, तोलने के लिए भी तो किन्हीं वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी कि हम इन्हें किन में मापे या किन में तोले। तो उनके लिए भौतिक राशियाँ बनाई गई जो 7 प्रकार की होती है। उसके पहले हम ये पढ़ेंगे कि अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती है। अदिश राशियों में हमने पढ़ा था कि जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, यदि किन्हीं राशियों के पास ओनली परिमाण है, जैसे दूरी के पास ओनली मीटर है, इसका मात्रक मीटर होता है, समय है इसके लिए केवल सेकंड होता है। लेकिन अदिश के बाद हमने सदिश राशियाँ पढ़ी थी और सदिश राशियों में हमने पढ़ा था कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो तो वो सदिश राशियाँ कहलाएंगी। जैसे वेग, इसका परिमाण हो गया 5 सेकंड प्लस पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, तो इसको सदिश राशि कहेंगे। एक बार इनकी परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या है। कि वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। यदि परिमाण की आवश्यकता होगी केवल, तो अदिश राशियाँ कहलाएंगी। जैसे समय 2 सेकंड, ऊर्जा शक्ति 4, द्रव्यमान आयतन दूरी ताप, इन सब के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो जब परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी तो वो सदिश राशियाँ कहलाएंगी। जैसे हमने पढ़ा था कि संवेग P बराबर MV, इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है, बल, भार, वेग, आवेग और विद्युत क्षेत्र, इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र भी जोड़ सकते हैं, उसके लिए भी दिशा की आवश्यकता होती है। इसके हमने एग्जाम्पल पढ़े थे कि जैसे वेग को कैसे लिखते हैं, 5 किलोमीटर पर सेकंड पूर्व की ओर, विस्थापन को कैसे लिखते हैं, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, बल को कैसे लिखते हैं, 5 न्यूटन नीचे की ओर, संवेग को ऐसे लिखते हैं 5 किलोग्राम × मीटर पर सेकंड दाई ओर आदि। इनको डिनोट करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हम मास को कैसे मेजरमेंट करते हैं, वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, लेंथ को कैसे करते हैं और टेम्परेचर को कैसे करते हैं। बच्चों, मात्रक और मापन में हमने सीखा था कि जिन वस्तुओं को कि हम बात कर रहे हैं उनकी मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। जैसे 5 किलो, तो 5 किलो क्या हम किसको माप रहे हैं, किसको तोल रहे हैं, वही मापन है। जैसे मात्रक, मात्रक में भौतिक राशि मापी जाती है। जैसे हम मीटर की बात करें तो ये मात्रक है किसका, लंबाई का।
उसके बाद में आंकिक मान, तो लंबाई कितनी, जैसे 5 मीटर, तो 5 मीटर में 5 तो आंकिक मान है और मीटर क्या है, लंबाई। अब 5 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हमें ये दर्शाती है कि मीटर कितनी, 5 बार, ठीक है। इसके बाद हमने मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पढ़े थे। बच्चों मूल मात्रक वे होते हैं जो मूल भौतिक राशियों के होते हैं, मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाएंगे। मूल भौतिक राशियाँ क्या होती है, दूरी या लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन या ज्योति तीव्रता। ये होगी मूल भौतिक राशियाँ। और पूरक राशियाँ क्या होती है बच्चों, घन कोण, दूसरा तल कोण, ये दोनों पूरक राशियाँ कहलाती है। तो हमने पढ़ा कि मूल भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए जो मात्रक काम में लिए जाएंगे उन्हें मूल मात्रक कहलाएंगे। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाएंगे। वैसे व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न किए जाते हैं, वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। जैसे वेग, तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए हमें मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ी, मीटर भी मूल मात्रक, सेकेंड भी मूल मात्रक, और इससे मात्रक बन गया वेग का जो व्युत्पन्न मात्रक है। जो इसके बाद में हमने पढ़ी थी मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रकों की 3 पद्धतियाँ होती है, CGS, MKS, FPS, और इन तीनों को मिला के एक बेस्ट बनाई जो होती है SI। इन तीनों में जो अच्छी चीज़ें थी, अच्छे मात्रक थे, उनको लेके एक SI बनाई जिनमें सात भौतिक राशियां, दो पूरक राशियां के मात्रक, टोटल 9 राशियों के मात्रक उसमें दिखाए गए। और सात भौतिक राशियां इस प्रकार है, जैसे पहली लंबाई, इसको दूरी भी कह देते हैं, इसका मात्रक मीटर होगा और मीटर को एम से डिनोट करेंगे। दूसरी है ताप, ताप का मात्रक केल्विन होगा और इसको कैपिटल के या स्मॉल के से डिनोट करेंगे। उसी प्रकार तीसरी भौतिक राशि हो जाएगी समय, जिसको सेकेंड से डिनोट करते हैं और इसको एस से लिखते हैं। उसी प्रकार हमारी फोर्थ राशि हो जाएगी द्रव्यमान, फिफ्थ राशि हो जाएगी ज्योति तीव्रता, सिक्स्थ राशि हो जाएगी विद्युत धारा, और सेवन्थ हो जाएगी पदार्थ की मात्रा। और इनके मात्रक भी इसी प्रकार हैं कि द्रव्यमान को किलोग्राम में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, विद्युत धारा को एम्पियर में, और पदार्थ को मोल में मापा जाता है। और इनके सिंबल्स इस प्रकार हैं बच्चों। और हमने पूरक राशियों की बात की थी, तो पूरक राशियाँ और मात्रक इस प्रकार हैं कि पहली पूरक राशि है तलीय कोण। जैसे किसी तल में गोला बना हुआ है, जो इसका कोण मापेंगे, उसके लिए पूरक राशियों का निर्माण किया गया और इसको रेडियन में नापेंगे। रेडियन में राशियाँ कैसी होती है, जैसे π/3, π/2, इस टाइप से रेडियन में मापते हैं। वैसे घन कोण की बात करें, कि यदि ये टॉस गोला है, यदि ये टॉस है, तो उसका अगर कोण मापेंगे तो स्टेरेडियन में मापेंगे, और स्टेरेडियन को शॉर्ट में स्टे,
या एसआर से लिख देते हैं। और जो इसके बाद में हमने हैं खगोलीय दूरियों तक पढ़ लिया था। खगोलीय दूरियां क्यों काम में ली गई, क्योंकि पृथ्वी और अन्य ग्रहों की दूरियां आपस में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको इजी बनाने के लिए बोलचाल की भाषा में और अधिक अच्छे तरीके से उन्हें दर्शाने के लिए खगोलीय इकाइयों का निर्माण किया गया। तो इनको मापा कैसे गया, सबसे पहले कि जैसे ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो इनके केंद्र, दोनों के केंद्र मिलाए और इनके बीच की जो दूरी आई उसको एक खगोलीय इकाई नाम दिया गया, खगोलीय इकाई। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि एक खगोलीय इकाई जिसको AU से लिखते हैं उसकी वैल्यू होती है 1.5 × 10^11 मीटर, और एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है 9.46 × 10^15 मीटर। इसी प्रकार से एक पारसेक की वैल्यू होती है 3.08 × 10^10। तो ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो कि 3.26 प्रकाश वर्ष, बच्चों जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हमसे पूछा जाएगा कि पारसेक किसका मात्रक है, तब हमें बताना है कि पारसेक दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी का। क्यों काम में आता है, ताकि दो ग्रहों के बीच में या खगोलीय पिंडों के बीच में दूरी माप सके। इसके बाद हम आज यहाँ से शुरू करते हैं कि किसका मात्रक क्या होता है, कौन सी भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। बच्चों आज हमारे टॉपिक पहला है शक्ति। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, अश्व शक्ति, इसको HP से भी लिखते हैं। शक्ति में एक HP की वैल्यू होती है, एक HP की वैल्यू होती है 746 वोल्ट। ठीक है, दूसरा है तरल का आयतन। तरल का आयतन को लीटर या गैलन में लिखते हैं। जो एक गैलन की बात करें तो एक गैलन में 159 लीटर्स होते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस आएंगे तब आपको बताना है कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। बच्चों तीसरा है समय। समय को सेकंड में मापते हैं, इसी प्रकार से लंबाई को मीटर में मापते हैं। उसके बाद है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता को ओम इंटू मीटर में मापा जाता है। सिक्स्थ है हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। सेवन्थ है बल। बल को, जो बल के लिए दो मात्रक होते हैं, तो एम के एस को में नापेंगे न्यूटन में, जो हम रेगुलर यूज भी करते हैं, और CGS में अलग होता है, CGS में मापते हैं डाइन में, और इनमें रिलेशन होता है कि एक न्यूटन बराबर 10^5 डाइन। ठीक है, अब बढ़ते हैं कार्य और ऊर्जा की तरफ। कार्य को MKS में जूल में और CGS में आर्ग में मापा जाता है, और इनमें रिलेशन होता है कि एक जूल बराबर 10^7 अर्ग। दोनों आपको याद रखने हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप लिख सको। एक जूल बराबर 10^7 अर्ग और एक न्यूटन बराबर 10^5 डाइन। इसके बाद में हम मापेंगे विद्युत शक्ति को, जो मापा जाता है वाट या किलोवाट में, वाट या किलोवाट में। ठीक है, और जो घरों की बिजली होती है उसको क्या में नापते हैं, घरों की बिजली
क्या में नाचा जाता है, किलो वाट घंटा, इसको बोलते हैं एक यूनिट। ठीक है, एक यूनिट का क्या बोलते हैं, एक किलोवाट घंटे को एक यूनिट बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष दूरी। अंतरिक्ष दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। इसके बाद ऊष्मा को जूल में मापा जाता है। ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। आवेश का मात्रक कूलाम, विद्युत विभव का वोल्ट। अब आते हैं रेडियो एक्टिवता पे। एक्टिवता या सक्रियता, बच्चों जो इसका मात्रक होता है वो होता है क्यूरी। इनका पूरा नाम था मैडम क्यूरी। इन्होंने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी, इसलिए इनके नाम पे क्यूरीज को मात्रक दिया गया। इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। बच्चों अभी एग्जाम हुआ था संडे को, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि 2 बार किसको मिला। उसका आंसर ये था कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबकीय प्रेरण, जिसका मात्रक गॉस या टेस्ला होता है। वैसे ही भूकंप, भूकंप को मापते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा ना कि दिल्ली में झटके लगे भूकंप के, जयपुर में भूकंप के झटके लगे, तो हम क्या पढ़ते हैं कि रिक्टर में मापा जाता है, कि रिक्टर स्केल में उसकी तीव्रता 5.5 मापी गई, तो उसका मात्रक रिक्टर है और इसको भूकंप के झटके मापने के लिए रिक्टर स्केल का निर्माण किया गया। और जो इसका यंत्र है उसे रिक्टर स्केल बोलते हैं। वैसे ताप को सेंटीग्रेड, केल्विन या फॉरेनहाइट में मापा जाता है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में, विद्युत फ्लक्स को अलग और चुंबकीय फ्लक्स को अलग अलग मापा जाता है। इसके बाद में हम मशीनें पढ़ेंगे, मापक यंत्र पढ़ेंगे, जिनकी सहायता से भौतिक राशियों को मापा जाता है। भौतिक राशियों को मापने वाले यंत्र। ठीक है, तो हमारा पहला यंत्र होगा थर्मामीटर। जो थर्मामीटर तो हम सबने सुना होगा, हमने यूज भी किया होगा। बुखार आ जाती है ना, तो थर्मामीटर की सहायता से हमारा शरीर का टेम्परेचर मापते हैं। थर्मामीटर क्या काम आता है, ताप मापने में। अमीटर, अमीटर था विद्युत धारा मापने में। हमने घरों में बोर्ड देखा होगा, मेन बोर्ड, उसमें 2 सुइयां लगी हुई होती है। एक पे ए लिखा होता है, एक पे वी लिखा होता है। तो ए लिखा होता है वो अमीटर ही होता है, जो वी लिखा होता है वो होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, आज जाके घर पे देखना। उसके बाद में लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या काम आता है, कि जो दूध की सापेक्षिक घनत्व होता है, या अपन इजी तरीके से समझने के लिए बोलते हैं कि दूध दूध में कितना पानी है, आते हैं ना दूध वाले दूध बेचने जिसमें पानी मिला लेते हैं, तो हम लैक्टोमीटर की सहायता से पता कर सकते हैं कि इसमें प्योरिटी कितनी है, वो कितना शुद्ध है, इसका पता कर सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑडियोमीटर की, हम जो बोलते हैं उसकी तीव्रता को किस प्रकार से माप सकते हैं। जैसे कोई जोर से बोलता है या कोई मशीन है बहुत आवाज कर रही है, बहुत शोर कर रही है, तो हम इस यंत्र की सहायता से पता कर सकते हैं
उसकी आवाज कितने डेसिबल है? तो डेसिबल होता है ध्वनि का मात्रक, ध्वनि का मात्रक। बाहर जैसे घर के बाहर से कितनी आवाज आ रही है, तो हम उसे डेसिबल में मापेंगे कि कितनी डेसिबल आवाज आ रही है। उसके बाद होता है लक्स मीटर, जो प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। सौर ऊर्जा के पैनल देखे आपने, उसमें एक यंत्र होता है जिससे पता चलता है कि कितनी सौर ऊर्जा है उस पर गिर रही है और उससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितनी बैटरी चार्ज हो रही है, उसको लक्स मीटर कहा जाता है। ओडोमीटर, ओडोमीटर तो हम सबने देखा ही होगा, हमारी बाइक्स में होता है, कार्स में होता है, जिसमें जीरो पे सुई होती है, जब वो बंद होती है उसके बाद में डिजिट्स होते हैं 60, 100, ये सुई आगे बढ़ती जाती है, तो हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच जाएगी। वो ऑडोमीटर होता है। स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स काम में लेते हैं, स्टेथोस्कोप वो गले में टंगा हुआ रहता है और वो हमारी हार्ट बीट सुनने के लिए, हमारे हृदय की ध्वनि सुनने के लिए उसको काम में लेते हैं, ताकि वो पता चल जाए उन्हें कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। तो नॉर्मली 72 बार धड़कता है। उसके बाद हम काम में लेंगे फेदोमीटर। फेदोमीटर से क्या करते हैं, समुद्र की गहराई मापते हैं। जैसे कोई समुद्र में है, वहाँ पे कोई ड्रिल करनी है या तेल के कुएं ढूंढने हैं, तो उनके लिए समुद्र की गहराई को मापा जाएगा, जिसमें फेदोमीटर काम आएगा। उसके बाद आता है स्फिग्मो मैनोमीटर। बच्चों आप कभी डॉक्टर के गए हों तो वो हमारी रिस्ट पे कुछ बांध देता है, उसके बाद में उसको प्रेस करता है और पता करता है कि हमारे रक्तचाप कितना है। रक्तचाप से वो ये पता करता है कि हमें कहीं बुखार तो नहीं आ रही। वैसे वो नॉर्मली बुखार का पता उससे नहीं चलता है, लेकिन वो नापते हैं फिर भी, ताकि अगर हाई बीपी हो या लो बीपी हो तो उसका पता चल जाए और ट्रीटमेंट करा जा सके। उसके बाद होता है कैरेट मीटर। नॉर्मली हम देखते हैं कि जैसे हमारे घर में सोना होता है, वो कैरेट में मापते हैं उसको, कैरेट में 24, 18 कैरेट, 20 कैरेट। तो हमने सबने सुना होगा कि सोने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, तो कैरेट मीटर से सोने की शुद्धता को मापा जाता है कि कितना कैरेट सोना है, जो कि 22 कैरेट शुद्ध माना जाता है। उसके बाद आता है मैनोमीटर। जो मैनोमीटर में हवा में कितनी नमी है उसको मापा जाता है। जैसे हम मोबाइल में टेम्परेचर देखते हैं, तो उसके साथ सारी डिटेल्स भी देता है कि आज हवा किस दिशा में चलेगी या अभी बाहर हवा किस दिशा में चल रही है। तो उसमें साथ में एमिनोमीटर भी होता है, जिससे यह पता चलता है कि हवा में नमी कितनी है, तो उसके लिए एमिनोमीटर काम में लिया जाता है। उसके बाद आता है पॉलीग्राफ। जो पॉलीग्राफ तो हम सबने देखा होगा कि एक सूटकेस जैसा एक बॉक्स होता है, इसमें अंदर मशीन होती है, और जब भी कोई अपराधी जैसे कोई बैंक लूटता है या कोई अपराध करके आता है, तो उसके शरीर में वो उसके सेंसर लगा के उससे पूछा जाता है कि आपने झूठ बोलना नहीं है, सच बोलना है, और आपने ये काम, ये अपराध किया या नहीं, तो उसको यंत्र को पॉलीग्राफ कहा जाता है। सबसे लास्ट में आता है बेरोमीटर। बेरोमीटर से क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हम आगे पढ़ेंगे कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है अगली यूनिट में। जैसे हवा द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उसके बाद में हमारे और ज़्यादा वैज्ञानिक यंत्र आ गए, जिनमें पहला है अल्टीमीटर, ये ऊंचाई मापक यंत्र है। वो ओडोमीटर, पहला वाला ओडोमीटर था जो ध्वनि को माप रहा था, ठीक है, ये ऊंचाई मापने वाला है। तो ये है
अल्टीमीटर, जो क्या करता है, ऊंचाई मापता है किनमें, विमानों में। विमानों में जाने के बाद उन्हें पता कैसे चलेगा कि हम कितने हजार फीट की ऊंचाई पे हैं, तो उसके लिए एक यंत्र बनाया गया जो ओडोमीटर होता है। उसके बाद होता है एमिनोमीटर, जो वायु में बल और गति को मापा जाता है, इससे वायु की दिशा भी पता चल जाती है। इसके बाद हमारे आता है ऑडियोमीटर, जो ध्वनि की तीव्रता को मापता है। इसके बाद आपने स्कूल में देखा होगा एक इस प्रकार, खाली स्लाइड लेते हैं, एक इस प्रकार का यंत्र होता है, एक यहाँ पे होता है और यहाँ पे कुछ भी बॉल लिख के, जैसे कोई बॉल है उसका व्यास हमें पता करना है, तो उसको इस प्रकार माप लिया जाता है। वो जो हमें स्कूल में देखने को मिलता है उसे बोलते हैं वर्नियर कैपिलर्स पैमाना, वो ऐसा ही होता है। उनके बीच में कोई भी वस्तु रख के उसका व्यास पता कर लिया जाता है। देखिए कि इसमें बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर का व्यास मापा जाता है, इनकी मोटाई भी पता कर ली जाती है। इसके बाद है डायनेमोमीटर। तो डायनामो तो वो मोटर होती है जिसकी सहायता से हम बचपन में कार्स चलाया करते थे, छोटी कार्स होती थी ना, उनमें अंदर एक मोटर निकलती थी, उस मोटर को ही डायनामो बोला जाता है। और जो उसमें से शक्ति माप लेता है, कोई यंत्र लगा के उसकी शक्ति पता कर लेते हैं कि डायनामो कितना करंट निकाल रहा है, उसको डायनामोमीटर कहा जाएगा। इसके बाद फेदोमीटर, समुद्र की गहराई मापने में। हाइड्रोमीटर, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद बच्चों आता है हाइग्रोस्कोप। हाइग्रोस्कोप की सहायता से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। उसके बाद कीमोग्राफ, तो कीमोग्राफ की सहायता से रक्तचाप, हृदय स्पंदन और शारीरिक गतियों के कारकों में परिवर्तन का पता लगता है, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, डॉक्टर्स के पास मिलेगा कीमोग्राफ। इसके बाद गाइगर मूलर काउंटर। बच्चों फिजिक्स का एक उपकरण जिसकी सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत की विकिरणों की गणना की जाती है। जैसे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जैसे रेडियम, ये अपने आप क्षय होता रहता है, तो कितना क्षय हो रहा है उसके लिए गाइगर मूलर काउंटर को काम में लिया जाएगा और पता किया जाएगा कब तक ये पूरा क्षय हो जाएगा, 100%, 50%। इसके बाद में आता है गायरोस्कोप, जो घूमती हुई वस्तु होती है उनकी गति को पता करते हैं। बच्चों हमने अभी पबजी करा था कोरोना में, उस पबजी में भी एक सेंसर गायरोस्कोप का होता था, जैसे हम मोबाइल को रोटेट करते थे तो वो घूमती हुई वस्तु के हिसाब से रोटेट होता था। इसके बाद हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व को अगली यूनिट में हम पढ़ेंगे, वो हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। उसके बाद हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लास्ट में पढ़ लेते हैं कि तापमान का मात्र केल्विन, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल होता है, पारसेक दूरी की इकाई है, और सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी खगोलीय इकाई में मापी जाती है। बच्चों इस प्रकार हमने पूरी यूनिट पढ़ ली है, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके हम एटलीस्ट 30 न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको यूनिट अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बच्चों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। बच्चों हमने पढ़ा था कि तापमान का एक तो मात्रक होता है फारेनहाइट, एक होता है डिग्री सेल्सियस, और तीसरा पढ़ा था केल्विन। और जो केल्विन होता है वो तापमान का
ऐसा ही मात्रक होता है। बच्चों हमने पढ़ा था कि भार की इकाई क्या होती है, बताओ। भार की इकाई होती है न्यूटन। वो कैसे? क्योंकि भार होता है F बराबर mg। यहाँ m होता है वो द्रव्यमान और g है गुरुत्वीय त्वरण। तो m का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम और गुरुत्वीय त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको 1 न्यूटन कहा जाता है। इसलिए भार का ऐसा मात्रक होगा न्यूटन। बच्चों थर्ड क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है। तो आपको बताया था बच्चों चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है और चुंबकीय क्षेत्र को बी के ऊपर वेक्टर लगा के लिखा जाता है। बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा कि हर्ज किसकी इकाई है, किसकी किसकी एक इकाई है। बच्चों हर्ज को एच जेड से लिखते हैं, जिसका मात्रक या जिसको मीटर इनवर्स भी बोला जाता है, जो मात्रक होता है आवृत्ति का। अर्थ किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है। बच्चों बल की इकाई होती है न्यूटन। किसमें? एमकेएस में। और डाइन होती है किसमें? सीजीएस में। हमसे क्या पूछा है? सीजीएस, तो क्या होगा? डाइन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सदिश राशि कौन सी वाली है। तो बच्चों हमें पता होगा कि चाल अदिश होती है, ऊर्जा अदिश होती है, शक्ति अदिश होती है और वेग सदिश राशि है। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि बल की न्यूटन की इकाई किसके बराबर है। अच्छा न्यूटन क्या होता है? एम ए, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है? एम ए। तो न्यूटन की इकाई एम ए के बराबर होनी चाहिए ना। यानी कि हम लेंगे अगर 1 न्यूटन के लिए, तो लेंगे 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमें पहले ऑप्शन में ही देखने को मिल गया। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन होगा बच्चों कि कौन सी भौतिक राशि, कौन सी भौतिक राशि वाट में मापी जाती है, कौन सी भौतिक राशि मापी जाती है? शक्ति। हम आगे पढ़ चुके हैं पहले, और आज का हमारी लास्ट स्लाइड होगी जिसमें पूछा गया है कि पार से इकाई की इकाई है। बच्चों हमने खगोलीय दूरी पढ़ी थी, उसमें हमने 3 मात्रक पढ़े थे, एक तो खगोलीय इकाई, दूसरा हमने पढ़ा था पारसेक, तीसरा पढ़ा था प्रकाश वर्ष। और ये सब दूरी मापते थे, और दूरी क्या होती है? लंबाई। इसलिए पारसेक इकाई का मात्रक होगा लंबाई का। बच्चों हमारा 10वां क्वेश्चन है कि कौन सी राशियां अदिश राशि है। अदिश ढूंढना है, भार एम जी होता है, सदिश होता है, वेग वी बराबर एक्स अपॉन टी सदिश होता है, बल एफ सदिश होता है, इसलिए धारा अदिश राशि है। बच्चों हमसे पूछी है पृष्ठीय तनाव की एस आई इकाई। पृष्ठीय तनाव क्या होता है बच्चों? ये क्या एफ अपॉन है? पृष्ठ तनाव क्या होता है? एफ अपॉन एल, यानी कि न्यूटन पर मीटर। इसी प्रकार से बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है। दाब मापने के लिए एसआई इकाई डायरेक्ट हमारे पास है पास्कल।
क्योंकि एम्पियर होती है धारा की, कैंडेला होती है प्रतिपन तीव्रता की, और केल्विन होती है तापमान की। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आज का हमने सेशन खत्म किया, और कल कल हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। कल हम विमा के बारे में जानकारी लेंगे, जो आपके स्तर के हिसाब से जरूरी नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे ताकि हमें पता हो कि त्वरण की विमा क्या होती है, दूरी की विमा क्या होती है, चाल की विमा क्या होती है। हमें इन सब के बारे में भी जानकारी हो, जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।